आ चुके हैं सुल्तानपुर के फेमस पार्क पर्यावरण पार्क से प्रसिद्ध है गाइस। तो चलिए हम आपको आज पर्यावरण पार्क दिखा दें, आइए आप। तो आप आइए, चलिए हमारे ऑडियंस को दिखा दीजिए। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे अगल बगल, इस टाइम पे गाइस बहुत कम भीड़ है यहाँ पे, यहाँ पे वरना लगभग हजारों की संख्या में लोग आते हैं। तो आप आइए दिखा दीजिए गाइस, ये सुल्तानपुर में सिर्फ एक ही पार्क है और यहाँ पे कोई पार्क नहीं है। गाइस लोग यहाँ पे वॉकिंग और दूसरे कामों के लिए आते हैं, कुछ लोग यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए आते हैं, कुछ लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। तो आइए आप, इधर आप दिखा दीजिए, ये देखिए यहाँ पे सराउंडिंग्स इसकी बहुत अच्छी है। गाइस ये देख सकते हैं आप, इधर ढेर सारे पेड़ भी लगाए गए हैं, कुछ पेड़ तो गाइस सूख चुके हैं लेकिन कुछ अभी भी ठीक है और कुछ नए लगाए दिए गए। गाइस ये देख सकते हैं आप कितना पुराना पेड़ लग रहा है, आप ध्यान से देखिए इसको। अब आप ये पूरी खूबसूरती देख सकते हैं, पूरा यह इस टाइम पे यहाँ पे गाइस कोई भी नहीं है। आप सामने के पूरे गार्डन को दिखा दीजिए, बिल्कुल आप उधर भी दिखा दीजिए, रेस्ट के लिए गाइस वहाँ पे बनाया गया है। आपको दिखाने वाले हैं जस्ट बगल हमारे वहाँ के जस्ट पीछे ये गोमती नदी, आइए हम आपको जूम करके प्लीज। गाइस आप देख सकते हैं जस्ट बहुत लंबी नदी यहाँ पे बैठी है, कुछ लोग गाइस बगल देख लीजिए वॉकिंग के लिए भी आए हैं इस टाइम पे। गाइस इस समय यहाँ पे बहुत कम लोग आपको देखने को मिलेंगे, वरना यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। आइए आप, कितने पुराने पुराने पेड़ हैं, ऊपर देख दिखा दीजिए आप। जी बिल्कुल, दिखा दीजिए पूरा गार्डन, एक वीडियो ऑफ करो थ्री। तो आइए आप दिखाते हैं हम पूरा गाइस, इसका ऑफिस है यहाँ पे, आपको कुछ पेड़ अगर कुछ मिल सकते हैं अगर आप चाहें तो कुछ पे करके। तो ये गाइस यहाँ पे गार्डन है, यहाँ पे बहुत सारे फूल्स रहते हैं बहुत ज्यादा, दिखा दीजिए आप फुल गार्डन ऊपर का पूरा आप दिखा दीजिए, यहाँ पे पेड़ सारे जितने हैं। अगर गाइस आप देख ही पा रहे हैं गोमती नदी हमारी जस्ट बह ही रही है और ये आपको गार्डन दिखा रहे हैं, आइए तो वो देखिए गाइस जस्ट बगल आपके ऑफिस है, यहीं से आप चाहें तो कोई भी पेड़ परचेज कर सकते हैं। आइए गाइज, यहाँ पे जब नदी ज्यादा ऊपर आ गई थी गाइज ये पूरा टूट चुका था, जैसे जैसे आप नीचे देख सकते हैं ये पूरा पार्क भर जाता है गाइज, जब बाढ़ आ जाती है यहाँ पे तो पूरा पूरा पार्क गाइज भर जाता है, यहाँ पे कोई नहीं आ पाता उस टाइम पे। गाइज आप यहाँ से बिल्कुल क्लियरली नदी देख सकते हैं जस्ट बगल, आप प्लीज जूम करके दिखा दीजिए।
आइए गाइज, इसके जस्ट सामने ही सीताकुंड है, वो तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन हाँ अभी हम आज आपको पूरा पर्यावरण पार्क दिखा देंगे। सामने बहुत सारे बच्चों के लिए झूले वगैरह भी हैं, आइए हम आपको दिखा देते हैं। गाइस आप देख पा रहे हैं जैसे कि शाम होती जा रही है और यहाँ पे सारी लाइट्स ऑन चुकी हैं। इधर आप पूरा दिखा दीजिए, पूरा आप दिखा दीजिए, आइए चले आइए। गाइस आइए हम आपको दिखा देने वाले हैं, और आइए गाइस अगर सुल्तानपुर में आए तो आप इस पार्क में एक बार जरूर से जरूर आए। जब बच्चे छुट्टी के टाइम पे हंसे काफी आते हैं और एंजॉय भी करते हैं सामने, आज आइए आप दिखा दीजिए। आप दिखा दीजिए पूरा सीन, और गाइस सामने भी है। गाइस गाइस यहीं से सारे पानी आ रहे हैं पार्क के लिए। छोटे छोटे बच्चे आगे खूब इंतजार करते हैं, आइए हम आपको और भी दिखा देते हैं। देखिए आप यहाँ पे कितने छोटे छोटे पेड़ हैं इस टाइम पे, ये बाद में बहुत बड़े हो जाते हैं। गाइस यहीं पे सब लोग आके बैठते हैं, अब आते हैं। गाइस ये आप पूरा ले सकते हैं, ये कुछ अच्छे अच्छे पेड़ भी हैं। गाइस आप पूरा पार्क देख सकते हैं, यहाँ पे काफी लोग रहते हैं। आइए आप गाइस, इस टाइम पे ये पार्क बंद होने वाला रहता है लेकिन अभी कुछ टाइम तक खुला रहेगा, तो हम आइए आपको पूरा पार्क दिखाने के बाद हम लौट जाएंगे। गाइस ये देख सकते हैं आप, और गाइस इधर भी गाइस ये देख सकते हैं कितना क्यूट है। गाइस ये देखिए, यहाँ
यहाँ पे तो काफी गंदा हो गया है, लेकिन यहाँ पे फोटो खिंचाने लायक काफी अच्छा था। देखिए आप कितना गंदा हो गया भाई। काफी रात हो चुकी है, कुछ ही देर में यहाँ पे ये पार्क भी बंद हो जाएगा। ये लास्ट था, अब इसी के साथ हमारा पार्क वाला सफर खत्म होता है। ये पार्क इतना बड़ा है, हमने आपको पूरा दिखाया। तो गाइस अब हो गया, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड चैनल को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।